नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक अंधे भिखारी की कहानी। किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, मेहनत और मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों के पेट भरता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला ही होता, आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती। इसमें दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचना चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, तकलीफ दूसरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से ही पूछ लेते हैं, तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सब तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है सब कुछ मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है चलो। दोनों भाई गांव पहुँचे। गांव के सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना कहीं नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जमीन का जो छोटा टुकड़ा पड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह कुछ चावल के दाने के लिए तरसता रहा। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। उसे तो कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा कि बड़ा भाई है, मना नहीं करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, पैसे दे दो और जितने चाहो उतने चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, भैया पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर अपनी आँख दे दो। छोटे भाई ने सोचा, बड़ा भाई मजाक कर रहा है, पर बड़े भाई ने एक आँख निकलवा लिया और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे और बोलने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, थोड़े दिन तो आराम से गुजर गए, कुछ दिन बाद अनाज फिर से खत्म हो गया। छोटा भाई फिर से अपने बड़े भाई के पास गया। उसे अपने भूखे बच्चे और बीवी की हालात देखे नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने कहा, दूसरी आँख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आँख भी दे दी और चावल ले आया। जब वह घर आया तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर रोने लगे और कहा, तुमने फिर से यह क्या कर दिया, अब हमारा क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, तुम बस मुझे सड़क के किनारे बैठा देना। दूसरे दिन से उसकी पत्नी उसे रोज रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत देर तक अपनी पत्नी का इंतजार किया। बहुत रात हो रही थी, इसलिए वह खुद अपने घर की तरफ चलने लगा, पर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। उसने सोचा, यही रात बिता लेता हूँ, कहीं आगे चलकर रास्ता न भटक जाऊं। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वक्त पेड़ से कुछ अजीब आवाज़ आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आया। असल में वह चार भूत थे। चारों भूतों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती थे। सभी एक महीने भर लोगों को सताते थे, और महीने के अंतिम दिन सभी इस पेड़ पर आकर सरदार के साथ चर्चा करते। तो आज महीने का अंतिम दिन था और चारों भूत उसी पेड़ पर जमा हुए हैं। भूतों के सरदार ने पूछा, एक एक करके बताओ तुम लोगों ने क्या क्या किया। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले और बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने शर्त रखा, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली की ओस लगाने से
उसकी आंखें ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी, नाले, झरने, तालाब और कुएं सब कुछ सुखा दिया है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दूर दूर तक पानी नहीं है। सब यूं ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मर जाएं सब। उन्हें क्या पता कि पहाड़ के तले से मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, अब वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या पता कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। फिर सरदार ने कहा, ठीक है, अब जाओ तुम सब, एक महीने बाद फिर से इसी जगह पर मिलेंगे। फिर से एक तूफान सा आया और चारों भूत वहाँ से गायब हो गए। तब तक सवेरा हो गया था। पेड़ के नीचे आराम करता हुआ वह अंधा चारों भूतों की बात सुन लेता है। अंधे भाई ने पहले वही ओस की बूंदे आँखों पर लगाई, उसकी आँखें लौट आई। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आँखें वापस आ जाने से उसकी बीबी बच्चे सभी खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को समझाया और घर से निकल गया। घर से निकलकर वह सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालात देखकर उसे रोना आ गया। वहां की जमीन सूखकर फट रही थी, कहीं पर भी एक बूंद पानी नहीं था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की परतें निकाली कि तभी कुएं, तालाब और झील में पानी भर गया। वहां के राजा ने उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत धन दे दिया। फिर राजा के महल में जाकर पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने तुरंत पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी, रहने के लिए एक महल दिया और अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को बोला। छोटा भाई बहुत सा धन लेकर अपने घर आया। उसके परिवार में खुशी छा गई। बड़े भाई ने देखा छोटे भाई की आंखें वापस आ गई है और उसके पास इतना धन भी है। बड़े भाई को अब छोटे भाई से जलन होने लगी। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और उसके दौलत का राज जानना चाहा। छोटे भाई को दया आ गई और उसने अपनी राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल के पेड़ के पास गया। अचानक फिर से वह तूफान आया। भूतों की आवाज़ आने लगी। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी। भूतों ने अचानक बड़े भाई को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। भूतों ने झट से बड़े भाई का गला काट दिया और बड़ा भाई वहीं मर गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।